All right, be attentive. So today we are going to start second current challenge facing India. हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं? Current challenges facing Indian economy. तो जिसमें हमने पहला चैलेंज किया पॉवर्टी का. Coming to the next one, human capital formation. So let's see what are the learning objectives of this chapter. After studying this chapter, you will be able to understand. Number one, the concept of human resource, the concept of human capital formation, and that of human development. The links between investment in human capital, economic growth, and human development. यानी जब हम human capital में invest करते हैं तो वो किस तरह से economic growth में वो क्या role play करती है. Then, need for the government spending on education and health and the state of India's educational attainment. ये जो last वाला learning objective है ये हम नहीं करेंगे क्योंकि आपका syllabus थोड़ा सा कम हुआ है तो इसमें education वाला part कम हो गया है. ठीक है. All right. So first of all, what is human capital? बेटे जिस तरह से एक country में physical resources होते हैं जैसे कि लैंड, ठीक है, मशीनरी, उसी तरह से एक कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं. यहां हम ऐसे कह सकते हैं जस्ट एज अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड. चैप्टर 5 है बेटे. You are always interested in knowing what is not to come. I would suggest you focus on what is to come. Okay. So just like physical resources like land gets converted into physical capital like factories. हमारे पास हमें नेचर ने एक रिसोर्स दिया है लैंड. हमने उसको फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया. फैक्ट्री में क्या होगी? प्रोडक्शन होगी, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. यानी वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गया. कैपिटल क्या होता है इकोनॉमिक्स में? व्हाट इज कैपिटल? हाउ डू यू डिफाइन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल? बेटे वो चीज जिसके करके प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, वो कैपिटल है. ठीक है. अब लैंड एज सच एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. हमने उसको फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. दिस वॉज व्हाट? फिजिकल रिसोर्स. जब हमने उसके ऊपर फैक्ट्री बना दी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिजिकल कैपिटल. सिमिलरली देयर आर ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज फार्मर्स हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं. ठीक है. दे ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इन टू ह्यूमन. स्टूडेंट्स हैं. आप में से कल को कोई स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर बनेगा? ठीक है. कोई नॉन मेडिकल में स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल में स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे. दैट इज दे गेट कन्वर्टेड इन टू ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल नॉलेज एम्बॉडेड इन ह्यूमन बीइंग्स. 9th का सिलेबस है. रिमेंबर व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल नॉलेज एक्सपर्टीज व्हिच इज एम्बॉडेड व्हिच इज इन देयर इन द ह्यूमन beings. It is invisible, but it is, you know, how it comes into, कैसे पता चलता है कि ये human capital है या simply human resource है? The way he works, the way he acts. ठीक है. अगर आपके साथ हम बिठा दें ऐसे लोगों को जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो बेचारे कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, तो उनके बिहेवियर से हमें पता चल जाएगा कौन से बच्चे लिटरेट हैं, कौन से इलिटरेट हैं. ठीक है. So human stock refers to the stock of skill
knowledge embodied in human being. So which means how to convert human resources into human capital? कैसे कर सकते हैं इनको convert? By making investment. Investment in what? Education, health, etc. इनकी skills बढ़ानी है उसके लिए हमें education provide करनी पड़ेगी. इनकी efficiency बढ़ानी है इसके लिए हमें इनको health services improve करनी पड़ेगी. So in this way, what we can do is we can make investment in education and health in order to convert human resources into human capital. So this investment which the country makes in providing education, health, better housing facilities to the people in order to improve their skill, knowledge, it is known as human capital formation. Human capital formation. ठीक है. So human capital और human capital formation में क्या difference है? Human capital formation is the process. जिसके पीछे भी बेटे IUN लग गया वो एक process है. ठीक है. So it's the process of adding to the stock of skill and knowledge of human beings by making investment in education and health facilities. ठीक है. So next, what are the various sources of human capital? Human capital कैसे? Human capital stock है knowledge का. हम human capital को कैसे बढ़ा सकते हैं? What are the various sources? All right. Chalo. You got a break. Nice. जब घर बैठे थे नहीं ना हंस पाते थे इतना. अकेले हंसने का भी मजा नहीं आता. ऑफ कोर्स बेटे. चलो फर्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट इन एडुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन. ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एजुकेशन एक असेंशियल इनपुट है. एजुकेशन आपके होराइजन्स को वाइडन करता है, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल को बढ़ाता है. ठीक है. एन एजुकेटेड पर्सन इज ऑब्वियसली मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड वन. सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन is considered as one of the major sources of human capital formation. बेटे जिस तरह से companies जो हैं वो capital goods के ऊपर invest करती हैं, machinery के ऊपर invest करती हैं, with the objective of increasing future profits. Similarly, individuals must invest in their education in order to earn better इनकम इन फ्यूचर. हम सबके पेरेंट्स अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा हमारी एडुकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं. आपकी स्कूल की फीस भी देते हैं, आपकी ट्यूशन की फीस भी देते हैं. बिकॉज समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड दे आर अवेयर कि ये जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एडुकेशन के ऊपर, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है. वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? Which reaps profit in future. So this expenditure which they are incurring will get you good jobs in future and thus you will get good salary. ठीक है. So isn't it a source of human capital formation? It is. Second is expenditure on health facilities. So health, which is a state of a better, a good
मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। ठीक है, हेल्दी पर्सन वो नहीं है जो देखने में एक हट्टा कट्टा इंसान है। अ मेंटल हेल्दी मेंटल सेटअप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, सो इट इज क्लासिफाइड और कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ सोशल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ऐसा पर्सन जो फिजिकली फिट है, जो मेंटली फिट है और जो सोशली भी इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप बोलो कि एक पर्सन बहुत फिजिकली फिट है और अच्छा इंटेलिजेंट है, अच्छे मार्क्स से पास होता है, लेकिन वो लोगों से बात नहीं कर पाता, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है सोसाइटी में इंटरेक्ट करने का, तो उसको भी हम हेल्दी पर्सन नहीं मानते। ठीक है, सो इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ के ऊपर अगर हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम लोगों की हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो लोग उतने प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। अ हेल्दी पर्सन इज ऑब्वियसली मोर प्रोडक्टिव देन अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है वो हमेशा ज्यादा प्रोडक्टिव है, एफिशिएंट है। थिंक ऑफ योरसेल्फ, इफ यू हैव गॉट फीवर फॉर वन डे, आपका काम करने को मन करता है? नहीं करता। तो अगर आपको मेडिसिन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आप और वीक हो जाओगे और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप ठीक हो जाओगे, तो आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री शुड मेक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज। 2020 में कौन सी कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सब सामने आ गया। इंडिया में सेकेंड वेव इतना कहर नहीं ढाती अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी प्लानिंग बेटर होती, isn't it? So had we had the you know oxygen plan, oxygen plants ready with us, अगर वो मेकिंग में होते, हमारे पास अवेलेबिलिटी होती, तो इतनी वर्स सिचुएशन नहीं आती। सो विच मीन्स अभी बताने की जरूरत है दैट इट्स अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्दी पर्सन आपकी कंट्री के लिए एसेट होते हैं। देन ओके, इसमें बेटे एक और देखो, विच इज गिवन ओनली इन एनसीईआरटी। सो जिनके पास प्राइवेट ऑथर्स की बुक्स हैं वो लिख लीजिए। जो मेडिसिन जो है वो दो तरह की हम होती है। वन इज अ क्यूरेटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव, सो इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंड ऑन स्पेंड ड्यूरिंग इलनेस। जब कोई बीमार हो जाता है, उसको क्योर करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको कहते हैं क्यूरेटिव एक्सपेंडिचर ऑन क्यूरेटिव मेडिसिन। दूसरी होती है प्रिवेंटिव इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव। तो इस गवर्नमेंट इंकरिंग ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन दीज डेज। ये जो कोविड वैक्सीन आपको फ्री ऑफ चार्ज लगाए जा रहे हैं, दिस इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट। पोलियो ड्रॉप्स के लिए भी गवर्नमेंट लगाती है, या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको सारी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रिवेंटिव। ठीक है, और जब कोविड फैला था तो लोगों को ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, दैट वॉज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्यूरेटिव मेडिसिन। ठीक है, देन देयर इज अ सोशल मेडिसिन ऑल्सो। What is social medicine, anyone? Spread of health literacy. जब government spend करती है लोगों को hygiene standards improve करने के लिए, knowledge देने के लिए seminars conduct कराती है, या गाँव में लोगों को भेजती है कि जो लोगों के घर घर जाके बताते हैं कि चीजें खुली नहीं छोड़ो,
ठीक है, मॉस्किटोज नहीं ब्रीड होने दो। आप देखते हो न्यूज़पेपर में आता है डेंगू फैला हुआ है, घर में अगर कूलर है तो उसका पानी निकाल दो, घर के बाहर अगर कहीं पानी है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दो ताकि मॉस्किटो ब्रीड ना करें, ठीक है। ये आपको न्यूज़पेपर्स में, रेडियोज में ऐसी चीजें आती हैं, ये खर्चा होता है इनके ऊपर, दिस इज नोन एज सोशल मेडिसिन, ठीक है। हाँ जी, वो भी सोशल मेडिसिन आ गई जो कोविड की ट्यून है, जो आपका सिर खाती है, ठीक है, चलो। ऑल राइट, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दीज डेज। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो हमने 10 साल पहले एक MBA हायर किया था, 10 साल पहले, और 10 साल के बाद, ओके, टेक द केस ऑफ वी एज अ टीचर, वी आर नॉट कंप्यूटर लिटरेट, वी आर नॉट टेक्नोलॉजी सेवी पीपल, राइट, स्पेशली ऑफ आवर एज ग्रुप, जो नए टीचर्स आ रहे हैं और टेक्नो सेवी हैं। बट व्हेन कोविड हिट, ऑनलाइन क्लासेस वर स्टार्टेड, we had planned to start our session from 6th April, we did start. What you are not aware of is that from last 4-5 days our school was conducting seminars for us, how to operate Zoom, ठीक है, कौन कौन सी सेटिंग करनी है, किस तरह से शेयर करना है, किस तरह से स्लाइड्स बनानी है, still it is going on. We have webinars twice or thrice a month from CBSE, it is compulsory for us to attend. Then our school also conducts webinars. हमारे computer teachers हैं जो हमें different apps के बारे में, blended learning के जो apps हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। This is what? On the job training. अगर हम ये, हमारा school इसके ऊपर खर्चा नहीं करेगा तो आपकी online classes हो पाती? नहीं हो पाती, ठीक है। So you would have been in loss. आपको फायदा लग रहा होगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है। स्टूडेंट को सिर्फ छुट्टी फायदे में लगती है, पढ़ाई उनको नुकसान होता है, ठीक है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसी तरह कोई कॉर्पोरेट फर्म है, सो टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम एडवांस होती जा रही है। आप बैंक्स में देखो, सारे काम कंप्यूटराइज्ड होते हैं, ठीक है, और नई टेक्निक्स आती हैं काम करने की, तो आपको अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ता है, अदरवाइज आप पीछे रह जाते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन में नहीं आएगी। आजकल इतना कंपटीशन है बेटे, सर्वाइवल के लिए आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कोई भी बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी बंद हो सकती है इफ यू डोंट कीप ऑन विद द चेंजिंग टाइम्स। नोकिया वॉज वंस कंसिडर्ड एज नंबर वन मोबाइल फोन मेकर, today it is nowhere in the list, yes, so because of some of these reasons. All right, fourth expenditure on migration, people migrate from one place to another. One is migration from rural areas to urban areas. People of rural areas migrate to urban areas in search of employment opportunities. They incur expenditure. Basically, दो तरह का expenditure वो incur करते हैं, एक transportation, yes, एक जगह से दूसरी जगह आओगे बेटे, transportation cost खर्चा होगा, फिर cities में रहने का, ये हो गया रियल टर्म में एक्सपेंडिचर। एक होता है सोशल कॉस्ट, यू हैव टू पे सोशल कॉस्ट। व्हाट इज द सोशल कॉस्ट? यू हैव टू अडैप्ट टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी यू हैव माइग्रेटेड टू, राइट, दिस इज द सोशल कॉस्ट। आपको अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने कस्टम्स, ट्रेडिशन सब चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। This is the social cost. This is one type of migration from rural to, another is from
Okay, yes, from one country to another. And that leads to one problem, brain drain. What is a brain drain? कईयों को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, नेवर माइंड, एनीवन हु नोस, ब्रेन ड्रेन क्या होता है पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता? ऑल राइट, अब सुन लो, उसके बाद अगर मैंने पूछा फिर पता होगा। ब्रेन ड्रेन का मतलब है जब जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं हमारी कंट्री के, हमारी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, और एनी इंटेलेक्चुअल, लॉयर्स, कोई भी, दे माइग्रेट टू फॉरेन कंट्रीज, दिस इज ब्रेन ड्रेन। पता चल गया क्या होता है ब्रेन ड्रेन? इंटेलेक्चुअल पीपल, ठीक है, जिनकी हमें यहां जरूरत थी वो माइग्रेट कर गए, खर्चा हमारी गवर्नमेंट ने किया पढ़ाई पे, बट देन दे माइग्रेटेड टू अनदर। व्हाई डू दे माइग्रेट? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो आप लोग भी माइग्रेट करोगे, आप में से बहुत लोग कनाडा जाएंगे, आपका खर्चा होगा पेरेंट्स का 20 लाख रुपए आपको भेजने का, फिर सोशल कॉस्ट यू विल हैव टू रीपे, यू विल हैव टू पे, इट विल टेक यू सम टाइम टू एडजस्ट टू देयर कल्चर। यस, आपकी लाइफ जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, आपको बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, दिस इज अ सोशल कॉस्ट यू विल हैव टू पे। बट देन व्हाई दिस एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो रिटर्न मिलती है, यस, स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यू आर नॉट लिसनिंग, व्हिच मींस यू आर अवेयर ऑफ दिस। स्टैंड अप, देन व्हाई हैव यू कम? आपको पता नहीं है, आपको सुनना नहीं है, तो आप यहां क्यों बैठे हैं? फिर बी सीटेड। So why it is considered as a source of human capital formation? क्योंकि migration के ऊपर जो खर्चा होता है और इससे जो return मिलती है, return which you get is much more than the expenditure incurred on it. ठीक है, अगर कोई rural area से urban area में आ गया, 10,000 रुपए खर्च के यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर वो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो इसका मतलब migration के करके उसकी इनकम बढ़ गई है, जो रिटर्न मिल रही है उसको वो खर्चे से ज्यादा है। ठीक है, ऑल राइट, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ, वन मोर सोर्स इज देयर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, जब आप प्लस टू पास आउट कर लोगे, जो फोकस्ड बच्चे हैं वो अभी से अपने एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, हम क्या करें, हम LLB करें, हम बीकॉम करें, बीकॉम में वेरियस फील्ड्स हैं, इनमें से कौन सी ऑप्ट करें, BBA करें, BCA करें, ठीक है, या इंटीग्रेटेड कोर्स कर लें, हम बीकॉम MBA कर लें, या BA LLB कर लें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सब सर्च करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको ये भी बता दूं, सम ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, CBSE ने अपनी एक साइट बनाई हुई है जिसमें आपको हर बैकग्राउंड के बच्चे को बताया गया है कि आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, और आप उसके बाद कौन सी फील्ड में जा सकते हैं और उस फील्ड में एंट्री लेवल पे आपका स्केल कितना होगा। ठीक है, सारी फील्ड्स आपको बताइए, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स आई गेस करियर लॉन्च, शायद मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी, शेयर कर दूंगी आपको, होगे तो ठीक है। तो यू हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन इट, ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन। अब अगर आप इसके ऊपर खर्चा नहीं करोगे, आप बोलोगे
अभी मैंने फिर बता दिया आपको कि ये सब कुछ ओवर इंटरनेट अवेलेबल है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन यू हैड टू यू नो गो सर्च. अभी भी कुछ पेरेंट्स जाके देखते हैं इंस्टीट्यूट्स, हमारा बच्चा कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहा है, वो कैसा है, ये अच्छा है या दूसरा वाला अच्छा है, दे गो एंड सी. सो बाय मेकिंग कंपैरिजन दे आर एबल टू मेक अ राइट चॉइस. तो राइट चॉइस जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपकी यू नो आगे फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा. ठीक, तो राइट चॉइस करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा, लेकिन उस राइट चॉइस करने से आपकी अर्निंग बढ़ी. सो इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप. टेल मी वन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. वन सोर्स नहीं पता, कुछ भी कानों में नहीं गया है. जो अपने फ्रेंड्स की नहीं सुनता मेरी क्या सुनेगा. ठीक है, तू मुंह कान ये बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना. दैट्स विद यू राइट. ऑल राइट, सो नेक्स्ट बेटे ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और व्हाट रोल डज ह्यूमन कैपिटल प्लेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स नहीं गिवन है, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको पॉइंट्स में इसको करवा देती हूँ. नंबर वन है इनहेंस्ड कैपेसिटी, या नंबर वन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, whenever any country spends on the human capital formation or makes investment in education and health, it enhances productivity of human beings. Productivity means production capacity. So let's see, there are two persons A and B, both are made to operate these machines, same machines hai. A is an engineer, B is just matric pass or illiterate. Who of them would be able to handle the machine in a proper way? So, kiski production ya productivity zyada hogi? Kaise? Because we have made expenditure on his education. Theek hai? So, human capital enhances the productivity of human beings. Productivity पता चल गया, production capacity उनका जो production करने का potential है उसको वो बढ़ाता है. ठीक है, second stimulates innovations. कौन सी country ऐसी है जहां पे innovation सबसे ज्यादा है? And China. क्या reason है? चाइना की पॉपुलेशन देखो, हम रोते रहते इंडिया में सारी प्रॉब्लमों की जड़ पॉपुलेशन है, और चाइना में नंबर वन पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना. स्टिल द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई उनका एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को निकालता है. सो इसीलिए मैक्सिमम इनोवेशन चाइना में हुई. सो विच मीन्स innovation is directly related to human capital formation. ठीक है, हम उनको on the job training दें, हम उनकी health facilities improve करें, education दें उनको, तो अपने आप innovative होंगे. So it creates the their ability to you know not only absorb new technologies but also develop new technologies. जो जूम है वो चाइनीज ऐप है.
उसके बाद बहुत सारे एप्स आ गए, बट किसने इन्वेंट किया? चाइना ने. सो बिकॉज ऑफ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑल हैज बिकम पॉसिबल. ठीक है, ओके. देन दे आर एबल टू अडैप्ट टू चेंज. बट इफ देयर इज एनीथिंग कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड दैट इज चेंज. ठीक है, इफ देयर इज एनीथिंग कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड दैट इज चेंज. अगर वर्ल्ड में एक चीज कॉन्स्टेंट है ना, होनी होनी है, वो चेंज है. पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है. ठीक है, सो चेंज को अडैप्ट करना बहुत जरूरी है. अगर हम चेंज नहीं अडैप्ट करते, मैं कह रही हूं हम टीचर्स कहते हैं हमें, हमसे नहीं कंप्यूटर चलता, हमको, हमने तो आज तक कभी हाथ नहीं लगाया, हमें पता ही नहीं है किस तरह से विंडोज स्टार्ट होती है, तो एजुकेशन सिस्टम वुड हैव कम टू अ हॉल्ट, है ना. बट बिकॉज वी आर एडुकेटेड, ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज और वी हैव बीन एडुकेटेड ट्रेंड, सो वी आर बेटर एबल टू अडैप्ट टू चेंज एज कंपेयर टू एन इलिटरेट पर्सन. ठीक है, बाकी मैं कहूंगी मोबाइल की टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि हर एक ने अडैप्ट किया है. काम वाली के हाथ में भी देखो दे दोगे, वो भी व्हाट्सएप कर लेंगे. ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे.